हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डाटा जो होता है कोई भी टेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हमारे कंप्यूटर्स में स्टोर होते हैं, और जहाँ पे स्टोर होते हैं उसे हम लोग डाटाबेस कहते हैं। बहुत सारे डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा हम लोगों के डाटाबेस में स्टोर होते हैं। बट अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग जो बहुत सारे डाटा स्टोर है हम लोग के डाटाबेस में उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो नाउ द टॉपिक इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे अभी हम लोग और देखेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज करती है। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों का है यहाँ पे टॉपिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है डाटाबेस होता क्या है। तो डाटाबेस हम लोगों का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर्स के डाटा को स्टोर करता है, यूजर्स के डाटा को रिट्रीव करने में हम लोगों को हेल्प करता है। और ये सारे चीज़ें जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है ये अपने सॉफ्टवेयर में, उसमें से हम लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ कैसे है। तो ये लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके थ्रू हम लोग डाटा को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का द डीबीएमएस एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट फॉर डाटा फ्रॉम एन एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक डाटा। जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम लोग डाटा को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, डाटा को मांगते हैं, तो हम लोगों का जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एप्लीकेशन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है रिक्वेस्ट, और वो वहाँ से हम लोगों को जो डाटा चाहिए वो डाटा हम लोगों को ईजिली हम लोग को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम लोगों को क्या है इन लार्ज सिस्टम आर डीबीएमएस हेल्प यूजर्स टू थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू स्टोर रिट्रीव डाटा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को जब हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है तो डीबीएमएस क्या करता है, जो यूजर्स होते हैं उसके डाटा को रिट्रीव करने के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, जिससे डाटा का फाइंड और डाटा रिट्रीव इजिली हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों का है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ यूजर्स टू क्रिएट ऑन डाटाबेस। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग डाटा को तो मैनेज करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन चाहे कि वो चाहता है कि अपने डाटा को डाटाबेस में ला करके वो खुद से अपना डाटा को मैनेज करे, तो डीबीएमएस ये इसको फंक्शनलिटी देता है यूजर्स को कि वो खुद अपना डाटाबेस बनाकर डाटा को मैनेज कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का द टर्म डीबीएमएस। डीबीएमएस का क्या मतलब होता है डाटाबेस को मैनेज करने का, और डाटाबेस से क्या है खुद में एक सॉफ्टवेयर है। तो डीबीएमएस टर्म हम लोग डाटाबेस को मैनेज करने के लिए और उसके प्रोग्राम्स उसके सॉफ्टवेयर को दिखाने के लिए हम लोग डीबीएमएस वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का प्रोवाइड्स इंटरफेस। बिल्कुल, जब हम लोग डाटा को मैनेज करते हैं तो हम लोगों को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर देता है कि जिससे डाटा को हम लोग इजिली मैनेज कर सके। तो एक हम लोग का इंटरफेस तैयार करके देता है जिससे कि डाटा का मैनेजमेंट इजिली हो सके। हम एक वर्ड में देखें तो डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को देखने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, और ये हमारा सारा कुछ मैनेज करके भी देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तब हम लोग समझ गए कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या। अब हम देखते हैं हिस्ट्री कि हम लोग का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया कब है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग का 1960, ये जो पॉइंट है 1960 ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। अगर आप लोग नोटबुक निकाल के रखे हैं तो वहाँ से ये पॉइंट नोट कर ले कि फर्स्ट डाटाबेस जो डिजाइन हुआ था हम लोगों का 1960 में हुआ था, और चार्ल्स बैचमैन ने उसको डिजाइन किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो कोड लाए थे 1970 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का 1980 रिलेशनल मॉडल बिकम्स अ वाइडली एक्सेप्टेड डाटाबेस में। रिलेशनल मॉडल जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हम लोगों का अभी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर आजकल देखते हैं जैसे कि मारिया डीबी, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेल, ये सारे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर से ये वर्क करते हैं हम लोगों के रिलेशनल डाटाबेस पे।
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोर्स रूल जो है हम लोगों का कोर्स रूल, उन्होंने ईआर कोड ने 1985 में दिया था। बट यहाँ पे 1985 में एक और चीज आया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट। और 1985 में 12 रूल्स कोड है, उन्होंने ईआर कोड ने 1985 में दिया था। उसके बाद और भी हिस्ट्री है, जैसे कि 1990s में क्या हुआ था, 1999 में क्या हुआ था, 1995 में क्या हुआ था, 1997 में क्या हुआ था, तो ये सारे आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जैसे कि 1960 का, 1970 का और 1985 का। एक और पॉइंट 1985 का जो 12 कोड रूल्स आया था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोगों का नेक्स्ट है हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोगों का क्या क्या विशेषताएं हैं डाटाबेस मैनेज करने के लिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिमूव्स रिडंडेंसी। जब हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं तो ये हम लोग को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे डाटा लीक ना हो। और उसके बाद डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, जो डुप्लीकेट डाटा होते हैं उसे रिमूव करने में हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। उसके बाद सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डाटाबेस सिस्टम। अब हम लोगों का क्या होता है, किस टाइप का डाटा हम लोग डाटाबेस में स्टोर कर रहे हैं ये हम लोग को डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता है। ये फंक्शनैलिटी हम लोग का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पहले ही होता है। जैसे कि हम लोग अगर नेम स्टोर कर रहे हैं तो ये जो है डिस्क्राइब करके देता है कि ये जो डाटा है हम लोग का टेक्स्ट फॉर्म में होगा। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोग के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद हम लोग का इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। जिस टाइप से डाटा हम लोग रखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो ये हम लोग को प्रोवाइड कराता है एक सिक्योरिटी, एक फीचर्स, जिससे हम लोगों को डाटा लीक होने का चांसेस कम होते हैं। और किस टाइप से हम लोग डाटा को स्टोर करें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये एक टाइप का सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है और यूजर से हाइड करके रखता है कि उसका डाटा किस फॉर्म में स्टोर है। बस यूजर्स को डाटा मिल जाता है कि हम लोग का डाटा यहाँ पर स्टोर है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ द डाटा। इस पॉइंट में क्या होता है, हम लोग का डाटा हम लोग का यहाँ पे स्टोर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये डाटा को बहुत सारे पर्संस देखना चाहें तो इजीली देख सकते हैं। ये हम लोग का एक फीचर्स होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। यहाँ पे यूजर 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सारे वर्क हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे हम लोग का शेयरिंग ऑफ डाटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। जो डाटा हम लोग का डाटाबेस में स्टोर है उससे हम लोग इजीली शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा शेयर करने में। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज एंटिटीज एंड रिलेशन अमंग देम टू फॉर्म टेबल्स। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ही, फर्स्ट डे ही हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो ये सेम चीज बताया गया कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हम लोगों का डाटा को स्टोर करता है एंटिटीज एंड रिलेशंस के फॉर्म में। जैसे कि रिलेशनल डाटाबेस में रोज एंड कॉलम्स बनते हैं, इसी पॉइंट को डिस्कस किया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इट फॉलोज द एसिड कॉन्सेप्ट। एसिड कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या होता है कि एसिड कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पे एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोग एक डाटा को, जब हम लोग डाटाबेस में स्टोर करने के लिए कोड लिखते हैं, अगर वो कोड हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाता है और वो हम लोग का कंप्लीट होकर के प्रोसेस कर लेता है, तो वो कोड कंप्लीटली जाएगा तो मेरा डाटा जो है पूरा कंप्लीटली आएगा। ऐसा नहीं होता है कि आधा अधूरा कोड जाए। अगर हम लोग डाटा को भेजते हैं, अगर वो कंप्लीट कोड होगा तो डाटा मेरा कंप्लीट होगा, अगर आधा अधूरा कोड होगा तो मेरा डाटा बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसे हम डाटा भेजे उसी टाइम पावर कट हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा डाटा जो है आधा अधूरा जाएगा, डाटा नहीं जाएगा या फिर डाटा पूरा जाएगा। ये हम लोग का एटोमिसिटी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, जब हम लोग डाटा को डाटाबेस में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डाटा को एक बार जब पहले हम लोग देखे और देखने के बाद जब हम नेक्स्ट टाइम डाटा देखेंगे तो वो डाटा सेम रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं होगा। तो इसमें डाटा कंसिस्टेंट रहते हैं। डाटा का जो ट्रांजेक्शन होता है डाटा को पहले देखने के बाद और डाटा को नेक्स्ट टाइम दोबारा देखने के बाद सिमिलर होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ये हम लोग का फीचर्स है, हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। उसके बाद आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है कि डाटा को एक बार में मल्टीपल्स यूजर देख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले बात किया था, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
कि डाटा को एक बार में बहुत सारे यूजर देख सकते हैं। तो यही हम लोगों का दिया गया कैरेक्टरिस्टिक एटोमिसिटी में कि एक डाटा को बहुत सारे लोग एक बार में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डाटा का जो है एक बार ट्रांजेक्शन हो जाता है डाटाबेस में और हम लोगों का सिस्टम अगर फेल भी हो जाए तो ये डाटा जो हम लोग का कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है परमानेंटली हम लोग के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर हो गया है। तो ये हम लोग का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और ये हम लोगों का एसिड प्रॉपर्टीज के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है डीबीएमएस सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। जब हम लोग डाटा को डाटाबेस में स्टोर करते हैं तो एक डाटा को बहुत सारे पर्सन से एक सिमिलर टाइम पे देख सकते हैं। तो ये हम लोग का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या और पढ़ना है हम लोग को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जब इससे मैं पहला लेक्चर वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे जब देखे थे हम लोग डाटाबेस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स में हम लोग के आते हैं माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, डी बेस, फॉक्स प्रो, एसक्यूएल लाइट, आईबीएम DB2, और यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। उसमें से हम लोग के सिलेबस में जो पढ़ना है वो हम लोगों का है मारिया डीबी। मारिया डीबी हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है। इससे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि मारिया डीबी सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसमें डाटा को स्टोर करेंगे। ये सारे पॉइंट हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये हम लोगों का जब पहले साल का जो सिलेबस था जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग को माई एसक्यूएल पढ़ना था। अब आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें से मारिया डीबी पढ़ना है। इसे हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ के आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे हम लोग इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का है एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करने का क्या क्या फायदे हैं हम लोगों को। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को दिया गया डीबीएमएस सपोर्ट से वैरायटी ऑफ टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। जैसा कि हम लोग को पता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को स्टोर करने का एक ही तरीका नहीं होता है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि डाटा को डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं हम लोग के सॉफ्टवेयर्स के अंदर होते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट में है डीबीएमएस सबसे एफिशिएंट है टू बैलेंस द नीड्स ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस यूजिंग द सेम डाटा। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं और इसके डाटा को कहीं दूसरे सॉफ्टवेयर्स में और कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में दिखाते हैं तो ये हम लोगों को एक बैलेंस हैंडल करके देता है, जिससे क्या होता है कि डाटा को जो है लॉस नहीं हो, डाटा इंटरप्ट नहीं हो, अच्छे ढंग से हम लोगों को डाटा मैनेज करके पर्टिकुलर पर्संस को, पर्टिकुलर यूजर को, हर यूजर को डाटा हम लोगों के पास चला जाए। तो ये हम लोग को डाटाबेस का एक और एडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स फॉर डाटा। जो हम लोगों का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है उसके पास पूरा हैंडल होता है डाटा को मैनेज करने के लिए, उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होता है डाटा किस टाइप से हमारा डाटाबेस में स्टोर है। ये जो है हम लोगों को एडमिन के पास होता है, एडमिन सब कुछ जानता है हम लोगों के डाटा के बारे में, कैसे हम लोग का डाटा प्रोसेस हो रहा है, कैसे हम लोग डाटा को देख रहे हैं, किस रूल्स को फॉलो करके हम लोग का डाटा आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स नेवर एक्सपोज द डिटेल्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज। जब हम लोग का डाटा जो है डाटाबेस में स्टोर होता है और डाटा जो हम लोग का डाटाबेस में स्टोर होता है तो वो जो डाटा का स्टोरेज का सिस्टम होता है वो हम लोग का प्रोग्रामर लिखता है। अब प्रोग्रामर कभी नहीं बता सकता है कि डाटा हम लोग को कैश टैप से हम लोग का डाटाबेस में रखा हुआ है। ये हम लोग का एडवांटेज होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर यूजर चाहे भी किसी टैप से कि देख ले कि कैसे स्टोर हो रहा है हम लोग को डाटा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए, मतलब नामुमकिन सा हो जाएगा उसको देखने का। बट प्रोग्रामर्स को ये सारे बातें पता होती है कि कैसे डाटा स्टोर, पर वो कभी नहीं बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डीबीएमएस यूजर्स वेरियस पावरफुल फंक्शन स्टोर एम डाटा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस दिए हुए हैं जिससे कि डाटा का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए, इफिशेंटली हो जाए, कि कहीं डाटा ऐसा ना हो कि कोई और डाटा स्टोर हो रहा है हम लोग के डाटाबेस में और किसी डाटा को फाइंड करें तो कोई और डाटा आ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से हम लोग को डिफाइन किया गया। ऑफर्स डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। जो हम लोग को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हम लोग को डाटा को बहुत अच्छे ढंग से स्टोर करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि हम लोग को डाटा का लीक नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डीबीएमएस इंप्लाइज इंटीग्रिटी कंसिडर टू गेट हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोविटेड एक्सेस ऑफ डाटा। डाटा जो है हम लोग को डाटाबेस में जो स्टोर होता है उस डाटा को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, ये सारे जो रूल्स होते हैं ये सारे रूल्स हम लोग को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पहले से ही डिफाइन होते हैं।
जैसे कि मैं चाहता हूँ इस एक यूजर का डाटा जो है ये खुद अपने आप उस यूजर देखे और कोई नहीं देखे, तो ये सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफाइन करके कि इसका डाटा कोई नहीं देखेगा। अगर हो सके हम ऐसे डाटा को डिफाइन करते हैं जो है वो डाटा हर कोई देख सकता है, तो ये सारे जो है हम लोगों को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फंक्शनलिटी मिलता है कि डाटा को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और एक्सेस देना डाटा का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का डीबी में स्क्विच कंक्रेंट एक्सेस टू द अटेंड सिस्टम डॉट ओनली यूजर कैन एक्सेस द डाटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो अप्लीकेशन हम लोग का आप एजुकेटिव का, अगर उसका एक्सेस कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने फोन में कर ले और उस नंबर से लॉग इन हो जाए और दूसरा पर्सन उसी नंबर से अगर लॉग इन करना चाहे तो जो पहला पर्सन है उसका जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल है कैसे हम लोग डीबीएमएस में ये चीज डिफाइन कर देते हैं कि एक ही पर्सन से एक पर्टिकुलर टाइम में डाटा को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। जब हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा का मैनेजमेंट अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो हम लोग का एक बहुत अच्छा टाइम बच जाता है डाटा को डेवलप करने के लिए और एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, जैसे कि सेम डाटा हम लोग को बार बार पेस्ट ना करना पड़े, ये बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को आता है डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिसएडवांटेज में हम लोग का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि मैं एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर्स में अपने घर पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को सबसे पहले हम लोग को तो एक कंप्यूटर का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारे हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेंगे, उसके बाद एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो कि हम लोगों को वर्क कर सके डाटा को मैनेज करने के लिए। इन सभी चीज़ों में हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डाटा को मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक हम लोग को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए बहुत सारे पर्सन्स डाटाबेस का यूज नहीं करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, ये हम लोगों का एक अच्छा खर्चा करा देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मोस्ट डाटाबेस मैनेजमेंट से ओपन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। डाटाबेस को मैनेज करना अगर इजी हो जाता तो हर कोई पर्सन अपने डाटा को डाटाबेस में स्टोर करके रखता। अभी आप लोग क्या सीख रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा आप लोगों को अगर आप लोग ये चीज़ नहीं सीखेंगे और डाटाबेस को मैनेज करने चलेंगे, तो इसलिए इसको सीखना भी डिफिकल्ट हो जाता है और इसमें डाटा को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल डाटा इज इनक्रिप्टेड इन सिंगल डाटाबेस। अब हम लोगों का क्या है कि अगर मेरे पास एक ही कंप्यूटर है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक ही कंप्यूटर में सारा डाटा स्टोर हो रहा है और उसी टाइम वही कंप्यूटर खराब हो जाए, वो हार्ड डिस्क खराब हो जाए, तो हमारे जितना भी डाटा उस कंप्यूटर में स्टोर हुआ तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक डिसएडवांटेज है डाटाबेस यूज करने का। उसके बाद यूज ऑफ सेम प्रोग्राम एट अ टाइम बाय मेनी यूजर्स समटाइम्स लीड अ लॉस ऑफ सम डाटा। अब एक डाटा को बहुत सारे पर्संस यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कभी कभी डाटाबेस में इंटरप्शन आ जाता है, कभी कभी डाटाबेस में इतना लोड आ जाता है कि किसी टाइम किसी डाटा को डिलीट हो जाता है और डिलीट हुआ डाटाबेस वापस रिट्रीव नहीं हो सकता है, तो हम लोग का एक और डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डीबीएमएस कांट परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन। अब कोई कोई डाटा ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि कैसे नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग को डाटा को दिख जाए, बट ये चीज़ें हम लोगों का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कर सकता है। इसका जो फॉर्म होता है डाटा का स्टोर करने के रिलेशनल डाटाबेस उसी टाइप से हम लोगों का डाटाबेस को दिखाता है। अगर आप जाएंगे अपने तरीके से डाटा को देखें तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस को हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं वो चीज़ें अब हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग का बैंकिंग। अगर आप लोग कभी बैंक गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कैसे आप लोग जस्ट आप अपना आधार नंबर बताते हैं या फिर मोबाइल नंबर बताते हैं तो कैसे वो सारा डिटेल्स आपको बता देता है, आपका अकाउंट नंबर कौन सा, इसमें नॉमिनी है, आपका घर कहाँ है, ये सारे डिटेल्स आप लोगों को बता देते हैं। तो क्या ये डाटा हम लोग का एक कॉपी में स्टोर होता है? बिल्कुल नहीं, ये सारा डाटा हम लोग को कहाँ स्टोर होता है? हम लोगों का कंप्यूटर सिस्टम में, हम लोगों का डाटाबेस में स्टोर होता है। और ये भी होता है कि हम लोग कितना पैसा निकाले हैं, कितना पैसा जमा है, ये सारा कुछ हम लोगों का बता देता है। तो सारे डाटा हम लोग को कहाँ स्टोर होते हैं? डाटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एयरलाइंस। जब हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं तो वहाँ पे कितना सीट हम लोगों का खाली है, कितना सीट फिल है, हम लोग को कौन सा सीट मिला, तो क्या ये डाटा कहाँ स्टोर होता है? ये सारे डाटा हम लोग के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये सारा डाटा हम लोग को डाटाबेस में स्टोर होते हैं जिसको हम लोग मैनेज करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू।
तो ये भी हम लोग का एक अप्लीकेशन से यूनिवर्सिटीज, हम लोग एसबीटी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो क्या एसबीटी बोर्ड के पास हमारा सारा डिटेल्स नहीं है? अच्छे तरीके से वो सारा डिटेल्स हम लोगों को स्टोर करके रखता है डाटाबेसेज में, तो ये हम लोगों का एक और यूजीसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का डाटा जो है डाटाबेस में स्टोर होते रहता है, हम किससे कितना देर बात किए हैं, कौन से नंबर पे बात किए हैं, क्या बात किए हैं, क्या बात किए हैं, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है निकालना, बट बाकी चीज़ें जैसे कि कितना देर बात किए हैं, कौन से नंबर पे बात किए, सारे डाटा हम लोग को डाटाबेस में स्टोर होता है। उसके बाद हम लोग का फाइनेंस, अब आप लोग अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे या फिर फंड के बारे में जानते होंगे, वहां पर क्या होता है कि कौन सा फंड किसके अकाउंट में है, कौन सा डाटा किसके पास स्टोर है, कौन से कंपनी ने कितना फंड खरीदा है। जैसे कि आप लोगों को पता है एलोन मस्क के पास बहुत सारा ट्विटर का फंड है, और अभी के टाइम पे ट्विटर को खरीद लिया एलोन मस्क, क्योंकि उसके पास बहुत सारे फंड जो है एलोन मस्क के पास ट्विटर का था। तो ये सारा मैनेजमेंट हम लोग का कहाँ होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जहाँ पे क्या होता है कि डाटा को स्टोर करके रखता है और वहाँ से हम लोग इजिली डाटा को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का सेल्स। जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो हम लोग कौन सा सामान परचेस किए हैं, ये सारा डिटेल्स जो हम लोग को डाटाबेस में स्टोर होता है, तो ये एक और यूजेस है डाटाबेस। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में डाटाबेस का यूज इस प्रकार से होता है क्योंकि हम लोग के वेयर हाउसेज में जहाँ के हम लोगों का सामान बनता है, वहाँ पे कौन सा सामान का मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, कौन सा कितना हम लोगों का ऑर्डर आया है, तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों का डाटाबेस में सेव होता है डाटा कि हम लोग कितना प्रोडक्ट बनाए हैं, कितना प्रोडक्ट सेल है, कितना प्रोडक्ट का ऑर्डर है, ये सारा डाटाबेस में यूज होता है। उसके बाद एचआर मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोगों का कैसे हम लोग कितना पेमेंट किसको देना है, कितना बकाया है, कौन से पर्सन हम लोग के मैनेजमेंट में, हम लोग के कंपनीज में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है एचआर मैनेजमेंट में होता है, और ये सारा का मैनेजमेंट जो है हर ये सारा चीज़ का डाटा हम लोग के डाटाबेस में स्टोर होता है। ये हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं एचआर मैनेजमेंट। अब हम लोग का फर्स्ट यूनिट जो है हम लोग का पूरा खत्म हो गया है, और फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग डाटा को मैनेज करते हैं, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डाटाबेसेस क्या होते हैं, ये सारे चीज हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग का यूनिट फर्स्ट खत्म हो गया, जब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग का वर्क कैसे करता है, किस लेवल में कौन सा वर्क होता है, कैसे हम लोग का टेबल्स क्रिएट होता है, पूरा डाटाबेस का हम लोग देखेंगे लेवल्स, लेवल्स में देखेंगे इसका आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है। ये हम लोग का जब नेक्स्ट यूनिट का वीडियो है जो है हम लोग का एप्लीकेशंस पे आएगा, तो आप लोग जाएं एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, वहाँ पे आप लोग को कोर्सेज मिलेगा CSE 4 CM का, उसमें इनरोल करें, और नेक्स्ट यूनिट से जितना भी वीडियो होगा हम लोग वहीं पे अपलोड करेंगे अपने एप्लीकेशंस पे। हम लोग डेमो के लिए जो भी वीडियो था हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे से वीडियो हम लोग के एप्लीकेशंस पे आएंगे, तो जाएं आप लोग डाउनलोड करें एप्लीकेशंस को और वहाँ पे जा करके चेक करें कौन कौन से वीडियो आ रहे हैं। ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, और जाओ जाओ सब लोग पढ़ो। थैंक यू सो मच।